कल को आएगा, कल को आ जाएगा, सामान रख के आ जाएगा दोबारा और लेने। इतना सारा सामान लेके जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं ये कुछ ड्रेसेस थी जिनको मैं पैक करने जा रही थी। तो ये है 27 जून का डे, जिस दिन मुझे ये ऑर्डर पैक करना था, उस दिन मैंने ये ऑर्डर पैक किया था। और ये हैं कुछ ड्रेसेस, और ये सारा ऑर्डर एक ही था, और ये मतलब मुझे काफ़ी टाइम में जाके कम्प्लीट हुआ है उनका ऑर्डर। और बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होती है देखिए एक एक ऑर्डर को कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑर्डर दिया और कल ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। और कम से कम 10-15 दिन 20 दिन लग जाता है इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, कभी कभी एक एक महीना भी लग जाता है ऑर्डर को कंप्लीट करने में। इसका रीज़न यही है कि देखिए कई बार क्या होता है कि सामान आने में टाइम लग जाता है, कई बार कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी घर में गेस्ट आए हुए हैं पिछले एक कुछ टाइम से, आपको पता है, ये पहले मेरी फ्रेंड आई थी, फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, उसके भी छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा डिले हो जाता है ऑर्डर कभी कभी। ऐसा हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये ऑर्डर मेरा कम्प्लीट हो गया, तो इसको मैंने पैक कर दिया। और यहाँ पर देखिए, ये थी मेरी एक स्टील की कढ़ाई थी जो कि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आई थी, और ये ना काफ़ी हैवी है, मतलब इतनी हैवी है कि उसको ना बहुत पसंद आई थी। और ये ना मेरे फ्राई पैन वगैरह थे, तो ये मैं चेंज करने की सोची थी पहले, फिर मैंने ये चेंज नहीं किए। मैंने केवल नॉन स्टिक जो तवा था ना मेरा, सिर्फ यही चेंजिंग के लिए दिया, क्योंकि मेरा ख़राब हो रखा था, तो मैंने यही चेंज करने के लिए दिया था और ये चेंज करके मंगवाया था नॉन स्टिक तवा। और मैं मार्केट नहीं गई थी, तो वो मेरी सिस्टर गई थी मेरी जेठानी के साथ में, तो वही ये तवा नॉन स्टिक वाला चेंज करके ले आई थी। ये तवा है नॉन स्टिक, और उसके साथ में मिली है ये स्पंज, और एक ये पलटा मिला है, और साथ में वो लेकर आई थी अपनी एक कढ़ाई, ये स्टील की है, ये PNB ब्रांड की है। ये देखिए PNB ब्रांड है। मैं अभी आपको इसका हॉलमार्क भी दिखाऊंगी, यहाँ पे ना हॉलमार्क भी बना हुआ। और ये काफ़ी हैवी कढ़ाई है, और इसमें ना कढ़ाई में बहुत वजन है, और बहुत अच्छे से मतलब इसमें वर्क होता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो देखिए 2200 कुछ रुपये इसका लिखा हुआ है, लेकिन ये उसको मिली 1800 रुपये की कढ़ाई लोकल मार्केट से। और यहाँ पर देखिए, मेरा बेटा खेल रहा था कढ़ाई से, और तवे से बोल रहा था कि मैं कुछ बनाऊँगा इसमें, बनाऊँगा, मैं खाना बना रही हूँ, तो ये बैठ के खेल रहा था इससे। और यहाँ पर देखिए, मेरी जो सिस्टर है ना, वो ये मशीन चलाकर देख रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वाली मेरी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी मेरी, और जो कि मैंने अपनी सिस्टर को दे दी है क्योंकि उसको पसंद आई और मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसको दे दी है कि भाई तू चला ले, मेरे पास तो ऐसी रखी हो, क्योंकि मेरे को कम्फर्ट नहीं लगा था इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। और ये मैंने अभी धनतेरस पर ही परचेस की थी, तो वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिस तरह का मेरा वर्क है ना, मुझे कंफर्ट नहीं लगा बस अपने आप को, क्योंकि मेरे को ना अम्ब्रेला मशीन जो मैंने ख़रीदी थी ना अभी कुछ टाइम पहले, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी। अम्ब्रेला मशीन की फुल वीडियो मैंने डाली हुई अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर, देख लेना अगर देखना है तो। और यहाँ पर देखिए, मेरी सिस्टर लेकर आई थी 2 गुल्लक बच्चों के लिए, तो ये नाम लिख रही थी यहाँ पर दिव्यांश, और इस पर लिख रही थी पीहू, तो ये गुल्लक पे पेंट किया था। और यहाँ पर देखिए, मेरी जो सिस्टर थी और मैं दोनों ने मिलकर किया एक कारनामा। तो मेरे ना बेड के गद्दे थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्हीं का कवर हमने बना डाला पुरानी बेडशीट से। तो 2 बेड हैं मेरे पास, तो दोनों बेड के जो गद्दे के कवर थे ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मेरी सिस्टर बैठी और उसने मशीन चलाकर सारे कवर बना डाले, और मैंने साथ में मिलकर लगा दिए। ये देखिए गद्दों की हालत क्या हो रखी थी, मतलब सारे गद्दों में से ना ये बुरादा सा झड़ता था, वाइट सा ये झड़ता रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि मतलब सारे में ना धूल मिट्टी ऐसा लगता था कि जैसे पूरे घर में धूल। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाले पुराने वाले कवर इस पर चढ़ा दिए, वो जो सबसे पुराने वाले थे वो तो निकाल दिए मैंने, और जो ये चेक वाले कवर थे ना ये वाले चढ़ा दिए, और इनके ऊपर फिर मैंने बेडशीट वाला जो कवर था वो चढ़ा दिए। ये देखिए, जो सबसे पहले कवर चढ़े हुए आए थे ना रेडीमेड, वो कवर ये थे, और इनकी हालत देखिए क्या हो रखी है, और इनके अंदर से देखिए कितना चूरा सा यहाँ पर झड़ा है नीचे, वो सारा मतलब गंदगी ख़त्म करवा दी मेरी सिस्टर ने, और बहुत सारा मजाक किया हमने, मतलब पिलो के कवर वगैरह काफ़ी चीज़ें उसने ठीक की मेरी। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था, फिर ना हमने बनाया खाना,
और खाना बनाते बनाते देखिए मेरा हो गया था धनिया फिनिश, तो मैंने धनिया को मतलब पीसा मिक्सी में। मसाले जो होते हैं ना मैं हैंड टू हैंड पीस लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आटा लगा हुआ रखा था और यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही थी परांठा, और एक साइड रख दिया था दूध बॉयल करने के लिए। और ये देखिए हांडी है जो कि मेरी सिस्टर लेकर आई थी दही जमाने के लिए, कहती थी दही की जो हांडी दही जो होती है ना हांडी की जमी वो अच्छी लगती है। मैंने कहा ठीक है भाई तू ले आ, और से पता नहीं क्या मतलब सूजी वो ले आई ये उठाकर। और यहाँ पर देखिए अरबी की सब्ज़ी बनाई थी सूखी अरबी, और साइड में रखे हुए छोले क्योंकि कल है मेरी बेटी का बर्थडे तो ये थोड़े से कम हैं अभी, तो और बनाए और मंगाए हैं मैंने, वो आएंगे तो भिगो दूँगी। और यहाँ पर ना नाइट का टाइम था 27 जून का, तो यहाँ पर ना मैं ये कुछ ड्रेसेस थी जिनको मुझे पैक करना था, तो मैंने ये ड्रेसेस निकाल के रखी और इनको मैंने मतलब देखिए कोई भी ऑर्डर मेरा जाता है तो उसकी मैं फ़ोटो या वीडियो ज़रूर बनाती हूँ ताकि सामने वाले कस्टमर को दिखाने के लिए हमारे पास सबूत रहे कि भाई हमने ये सामान आपको भेजा है। और दूसरा कई बार पार्सल में भी मिस्टेक हो जाती है कि पार्सल वाले ही गायब कर देते हैं सामान बीच में, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए 21 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस थी, और देखिए ये 21 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस मेरी सिस्टर ने बनाई थी जो कि ऑर्डर की थी मेरे, तो उसने बहुत काम हल्का किया। और उसके बाद रात का टाइम था, हम लोग बैठे थे, वो लेटी थी बातें कर रही थी, तो कहीं पर तो यहाँ पर देखिए 28 जून का डे था, तो हम लोगों ने बनाया खाना। खाने में बनाया था छोले भटूरे और चावल, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने आने का मतलब वही है ना, मन तो होता नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा ही कि घर में खाना बना लेते। देखो खाना तो बनाना ही पड़ता है जब बच्चे मतलब बच्चे का जन्मदिन होता है, तो यहाँ पर हमने बनाए थे छोले चावल और भटूरे। तो छोले ना मेरे थोड़े से और पकने थे लेकिन जल्दी बहुत हो रही थी क्योंकि लेट बहुत हो गया था खाना बनाते बनाते, 2 बज गए थे लगभग हमें, तो इस वजह से ना फिर मैंने छोले ऐसे ही निकाल दिए थे बच्चों की वजह से, और फिर बाद में मैं 4-5 सीटी और लगा दी थी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गए थे छोले। और देखिए भटूरे जो बनाती हूँ ना मैं, भटूरे के लिए जो मैदा लगाती हूँ उसके अंदर ना 3-4 ब्रेड जो होती है ना उसको मैश करके डाल देती हूँ मैदा के अंदर, उसी से ही मैदा मतलब बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि मैदा के जो ब्रेड होती है ना ब्रेड के अंदर ऑलरेडी ईस्ट होता है। तो ये देखिए भटूरे हमारे फूले फूले आए थे, तो छोले भटूरे चावल और साथ में है मट्ठा। तो बस यही था हमारा खाना आज का। और बोलो क्या है? मेरे पास एक आईफोन है। दिखाओ आईफोन कैसा है, एक बार पीछे दिखाओ मुझे, दिखाओ। अच्छा इससे क्या होता है आईफोन से? इसका पावर 1100 बैटरी है। अच्छा और क्या करोगे इससे? अब मैं इस पे कितने सारा गेम डाउनलोड करेंगे। इसका पावर 1100 मिलियन। पापा को कॉल करो। कस्टमर्स। अच्छा। इवन 3 मिलियन प्लेयर्स। ओके पापा को कॉल करो। करो कॉल। बात करो। हाँ पापा। मैं कंटेंट पे आ गया। और देखिए यहाँ पर ना सनी अपने मौसा जी के साथ में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो ये है मेरी सिस्टर के हस्बैंड, तो उन्हीं के साथ वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मेरी डॉटर का था बर्थडे तो उसी की सेलिब्रेशन चल रही है, तो यहाँ पर वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रही थी। बड़े प्यार से उसने डेकोरेशन की थी अपने हाथों से सारे बच्चों ने मिलके, बट थोड़ी देर बाद ही उस डेकोरेशन की जो हालत हुई वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर 14 ईयर्स उसके आज कम्प्लीट हुए हैं, तो 14 इयर्स की वो हो चुकी है, 15 इयर्स की लग गई है 15 इयर्स में वो 14 की कंप्लीट होके। तो बस यही मेरी विश है, यही मेरी दुआ है कि उसे मेरी उम्र भी लग जाए और वो हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे और ऐसे ही हैप्पी रहे हमेशा। तो यहाँ पर देखिए पिक वगैरह क्लिक करा रहे थे और उसके बाद में केक कटिंग हो गई।
तो देखिए यहाँ पर ना बच्चे लोग ना सब लोग क्या है वेट कर रहे हैं कि कब केक कट हो और बस हम केक को लूट लें अच्छे से। मतलब केक के ऊपर जितनी भी डेकोरेशन हुई है ना उसको सबको छीन लेंगे बच्चे एक एक करके। देखना आप लोग अभी आगे केक के टाइम पे मतलब कटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर ना मैं नहीं बैठी थी साथ में, इसके पापा को मैंने बिठा दिया था कि आप केक कटिंग करें। लूट लिया सबने लूट लिया केक। और देखिए केक कटिंग के बाद यहाँ पर चल रहा है फोटो शूट। तो ये मेरी सिस्टर, उसके बच्चे, मेरे सिस्टर के हस्बैंड सब ने कराई पिक क्लिक और मैंने थोड़ी सी बना ली थी वीडियो क्लिक। और देखिए बर्थडे होने के बाद में यहाँ पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों ने लेके सारी जो डेकोरेशन थी ना सबको उतार लिया, बहुत बुरी तरह से मतलब हालत कर दी घर की, इतनी बुरी तरह से हालत कर दी। ये देखिए गले में डाल के उनकी फ़ोटो क्लिक हो रही है अच्छे से। देखिए सनी को देखिए कितनी मस्ती कर रहा है वो लेके। तो ये सब चीज़ें हैं मतलब बच्चों की, बच्चे आपस में मिलके मतलब खूब मस्ती कर रहे थे। बच्चों को ना पता नहीं क्या होता है मतलब कितना टाइम तो इसे डेकोरेशन में लगाया था और कितना ही टाइम मतलब इसको, फिर 2 मिनट भी नहीं लगा इसको उतारने में, इतनी बुरी तरह से इन्होंने हालत कर दी कमरे की। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी से मना लिया बेटी का बर्थडे, घर पर ही सेलिब्रेट कर लिया। और रही बात गिफ्ट की, तो गिफ्ट में इसकी मौसी ने जो ये कपड़े, इसने जो कपड़े पहने हैं ना जानवी ने, बस वही कपड़े इसकी मौसी ने इसको गिफ्ट में दे दिए थे। तो मैंने इसको, और देखिए यहाँ पर ना बच्चे कर रहे थे मस्ती और बच्चों ने ना खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। ये ऊपर ले आए थे इसको और ये ना वापस भर के लेके गए बच्चे, फिर ना इसको पिन्नी में हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ था ना ये सब ना भर के लेके गए पिन्नी के अंदर करके कि हमें अच्छा लग रहा है मौसी, हमें अच्छा लग रहा है, लेके भर के लेके गए। तो बच्चों को तो बस जो अच्छा लग जाए वही उनका गेम बन जाता है। और यहाँ पर सनी भी इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पर देखिए जो ये अलमारी थी ना छोटी सी जो मैंने बनवाई थी अपनी सिस्टर के लिए, तो वो मैंने उसको दे दी है। और मुझे जल्द ही एक वीडियो लाना है आप लोगों के साथ कि मैंने जो कारपेंटर से काम कराया था वो कैसे कैसे कराया था, वो सब मैं शेयर करूँगी जल्द ही। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी सिस्टर थी ना वो ये अलमारी रखवाई थी अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये सामान है जो भी मेरी सिस्टर को लेके जाना था वो सारा सामान था। और देखिए अभी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो वो सारी कमी भी मुझे ही पूरी करनी है क्योंकि बस बहनों का प्यार तो ऐसा ही होता है, जितना बन पड़ा मैंने दिया। तो आगे जाएगी, आगे बैठेगी, अब कब आएगी घर? कभी नहीं बोलना, देखो जब हमारी पड़ेंगी जब पक्का। ठीक है ठीक, किट्टू को तो नहीं, किट्टू नहीं, देख किट्टू तो, किट्टू तो बैठ गया, दिखे इसमें गाड़ी में किट्टू। ओ किट्टू कब आएगा? कल को आएगा, कल को आ जाएगा, सामान रख के आ जाएगा दोबारा और लेने। इतना सारा सामान लेके जा रहा है और लेने आ जाओ। दिव्यांश कब आएगा? तू तो बोल रहा कभी नहीं आऊंगा, अभी है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग में यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं और अभी हो रही है बारिश बाहर। जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही ना अभी, तो बारिश एकदम स्टार्ट हुई जैसे बीच में वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ पड़ी। मैं सिलाई कपड़े भाग कर, क्योंकि मेरे कपड़े पड़े हुए थे बाहर तो ये कपड़े थोड़े देर से गिरे हुए हैं। और ये बरसात का समय हो चुका है तो अब बारिश हुई तो थोड़ा गर्मी में राहत मिलेगी। 2 दिन में बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो बस बच्चों को भी भेजना है स्कूल। और देखिए मेरी सिस्टर जा चुकी है और देखिए अभी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो देखिए मुझे के लिए दोनों करने हैं, मम्मी का भी और पापा का भी फर्ज जो है वो मुझे ही पूरा करना है। तो जितना बन पड़ा मैंने उसे दिया, जितना मुझसे हो पाया मैंने उसके लिए किया। और देखिए बहनों का प्यार तो बस ऐसे ही होता है कि जब मिलते हैं ना साथ में तो सारे
जो पुरानी यादें होती ना वो सारी ताज़ा हो जाती है। तो शादी से पहले भी हम लोग ने ऐसे ही मिलके काम कर लिया करते थे कि जैसे कि स्टिचिंग का काम होता था तो हम लोग दोनों मिलके कर लिया करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।